ये देखो, करो रेस। बस बस। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइटेक में। दोस्तों आज हमारे पास अल्टो है, अल्टो ओल्ड मॉडल। तो इसमें दिक्कत यह है कि गाड़ी है ना स्टार्ट नहीं होती। एक बार आप लगाते हो और सुबह स्टार्ट करने जाते हो ना तो 5-6 बार क्रैंकिंग करना पड़ता है और पूरा एक्सीलेटर दबा के रखना पड़ता है तभी गाड़ी चालू हो रही है। और स्मोक बहुत ज़्यादा दे रही है, तो स्मोक्स दिखाता हूँ मैं आपको कितना दे रही है। ये देखो इस तरीके से वाइट स्मोक आता है, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होती। एक बार आपने जगह पे खड़ी कर दी ना तो स्टार्ट नहीं होती। और ये देखो पूरा वाइट स्मोक, और मतलब इससे मतलब ऐसी बदबू भी आ रही है, बदबू मतलब ऐसी केमिकल जैसी बदबू आ रही है इससे। ये देखो इस तरीके से वाइट स्मोक आ रहा है। थोड़ी रेस करो। ये देखो, करो रेस। बस बस बस। तो इस कार में हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेक की। तो जो हमारा इंजन ऑयल है ये तो नहीं बर्न हो रहा, लेकिन इंजन ऑयल ज़रा भी बर्न नहीं हो रहा और लेवल भी उसकी कम नहीं हो रही। कूलेंट है वो भी प्रॉपर है। तो जब स्मोक देती है तो दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। एक तो ऑयल जल रहा है, आपका इंजन ऑयल जल रहा है तो स्मोक देती है, लेकिन इंजन ऑयल का जो स्मोक होता है ना वो ब्लूइश होता है। और कूलेंट जल रहा है तो भी वो थोड़ा मतलब ऐसा नहीं होता, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता, लेकिन ये जो स्मोक आ रहा है ना इसमें बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है, मतलब केमिकल जैसे ऐसी स्मेल आ रही है। इसके बाद अगर मिसफायर कर रही है, कंबशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम आता है स्मोक का, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। फिर भी मतलब इसमें देखो एकदम स्टेबल है गाड़ी, ऐसा मिसफायर वगैरह इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रेस करूँगा तो बहुत ज़्यादा बहुत गंदे तरीके से स्मोक दे रही है, तो अभी मतलब इसमें प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगा। ये ऐसा प्रॉब्लम बार बार नहीं मिलता, 1000 गाड़ी आती है तो उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा मिलता है आपको जो पूरा परेशान कर देता है आपको कि कहाँ से स्मोक आ रहा है। तो ये जो कार है इसमें CNG किट भी लगा हुआ है, तो अगर CNG किट से CNG और पेट्रोल दोनों एक साथ जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत स्मोक दे सकती है। तो ये भी डाउट था, तो CNG टैंक्स ऑफ करके भी देखा हमने तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब काफ़ी परेशान करने वाली ये चीज़ है। और 2-3 मिस्त्री को भी दिखाई थी कस्टमर ने गाड़ी, लेकिन मतलब सॉल्व नहीं हो पाया, जो फॉल्ट है वो नहीं ढूंढ पाए वो। तो फॉल्ट है वो मुझे अभी पता चल गया क्या है फॉल्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो तो अभी देखो हमारी जो पेट्रोल गाड़ी है ना उसमें हमारा जो ब्रेक है ना ये लगता है। देखो ये ब्रेक आप देखोगे ना तो नीचे देखोगे ना तो ब्रेक ऑयल लीकेज है, और ब्रेक ऑयल आप ज़ोर से जब दबा के रखते हो ना ब्रेक तो लगता है, कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन ब्रेक हमारा बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। इसमें जो ब्रेक ऑयल है ना वो लीकेज कर रहा है, ये मतलब ब्रेक बूस्टर का प्रॉब्लम है। और ये देखो इंजन का ये इंटेक मैनिफोल्ड है, ये क्या करता है वैक्यूम खींचता है, ये सिर्फ इसके अंडर डायफ्रेम होता है ना उसको खींचने का काम करता है। अगर ब्रेक ऑयल लीकेज हो गया, ऐसा बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है ब्रेक ऑयल लीकेज हो गया और इस पाइप से अगर इंजन में गया तो स्मोक दे सकती है। और ब्रेक ऑयल का जो स्मोक होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया वाइट होता है और उसको केमिकल जैसी बदबू आती है, क्योंकि ब्रेक ऑयल ऐसे इजीली जलता नहीं, वो मतलब ऐसा कच्चा ही स्मोक आएगा उससे और स्टार्टिंग का प्रॉब्लम भी आएगा। तो अभी क्या करते हैं ये पाइप निकाल के देखते हैं, मैंने अभी निकाला नहीं है, देखो आप पहुँचाइए तो, लेकिन मुझे सिर्फ डाउट है, आपके सामने निकालूंगा तो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका हमारा। तो हम जब भी कार रिपेयर करते हैं तो उसमें स्पेयर पार्ट लगते हैं, तो कार में लगने वाले सारे स्पेयर पार्ट है वो हम मंगाते हैं बुडमो से। बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहे तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है, और डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो पे ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल है। आपको जेन्युइन कंपनी का चाहिए तो कंपनी का ओरिजिनल स्पेयर पार्ट आपको बुडमो पे मिल जाता है। इसके अलावा कुछ आफ्टर मार्केट कंपनियाँ हैं, OE स्पेयर पार्ट है, वो ढेर सारे स्पेयर पार्ट है, ये आपको सारे स्पेयर पार्ट बुडमो पे अवेलेबल हो जाते हैं। बुडमो की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। भाई देखो ये जो पाइप है मैं निकाल लेता हूँ, इसमें ऑयल मिलना चाहिए, एक ही चांस है स्मोक मारने का, इतना तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अभी एक काम करो आप ब्रेक प्रेस करो ज़ोर ज़ोर से, मैं इधर चेक करता हूँ ऑयल आ रहा है क्या। हाँ ये देखो आ रहा है, ये देखो
मतलब जो हमारा डाउट था वो मतलब 100% यही निकला। ब्रेक प्रेस करो अभी, ये देखो इधर से पूरा ऑयल आ रहा है, मतलब एयर के साथ ऑयल आ रहा है, ये देखो। मतलब ऐसा प्रॉब्लम आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ गाड़ियों में ही देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब कर देता है ये प्रॉब्लम। कुछ कुछ लोग इंजन हेड खोल देते हैं इसके कारण, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि इंजन ऑयल तो कम नहीं हो रहा है, इंजन में बैक कॉम्प्रेशन नहीं है, कूलेंट कम नहीं हो रहा है, इंजन हीट नहीं हो रहा है, तो ऑयल की और कूलेंट की कुछ समस्या नहीं, समस्या हमारी ये निकली। को पता चल गया होगा कि ये है ना, ये हमारा ब्रेक बूस्टर है। ये क्या, ब्रेक हमारा एकदम इजीली दबे इसके लिए ये वैक्यूम से खींच लेता है अंदर के डायाफ्राम को, और ये जो है हम एक्सीलेटर जब छोड़ते हैं तो वैक्यूम क्रिएट होता है। सिर्फ वैक्यूम क्रिएट होना चाहिए, इसमें सिर्फ एयर रहती है, ये ऑयल नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए सारा जो प्रॉब्लम था वो था। और ब्रेक ऑयल भी हमने चेक किया ना, तो ब्रेक ऑयल कम निकला, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, अंदर केबिन में भी गिर रहा है और इधर आ रहा है, इंजन में चला जा रहा है। तो इसके लिए ये हमारा स्मोक की जो समस्या है ये है। तभी इसका ब्रेक बूस्टर वगैरह देखेंगे, रिपेयर होता है तो रिपेयर कर देंगे, नहीं तो चेंज कर देंगे। तो इस तरह जो प्रॉब्लम मुझे मिला और मैंने डायग्नोस किया वो मैंने आपको दिखाया। तो इस तरीके से कभी कभी प्रॉब्लम आते हैं, काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम होते हैं, मज़ा भी आता है ढूंढने में। तो इस तरीके से अभी मैं सॉल्व कर दूंगा ब्रेक बूस्टर, एक तो हम रिपेयर होता है क्या देखेंगे, नहीं तो चेंज कर देंगे। उसका भी चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ब्रेक बूस्टर का, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ।